नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री गुरु चरण पर। दोस्तों, आज के राशिफल कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज है 16 दिसंबर 2020 और दिन है बुधवार का। यह दैनिक राशिफल चंद्र ग्रह की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल के कार्यक्रम को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। इस राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। आज का सुविचार, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है, जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्दों को ना बोलें, क्योंकि खराब मूड को बदलने के आपको बहुत से मौके मिलेंगे, पर अपने शब्दों को बदलने के नहीं। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ सबसे पहले मेरी तरफ से जिनका आज बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। विक्रमी संवत 2077, मास अमांत मार्गशीर्ष, मास पूर्णिमांत मार्गशीर्ष, पक्ष शुक्ल पक्ष, वार बुधवार, तिथि द्वितीया शाम के 4:54 तक, उसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र रहेगा पूर्वाषाढ़ा, सुबह 8:04 तक, उसके बाद उत्तरषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग है वृद्धि, शाम के 6:34 तक, उसके बाद ध्रुव योग प्रारंभ। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:07 पर, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:27 पर। दिक ऋतु हेमंत, वैदिक ऋतु हेमंत रहेगी। राहुकाल का समय रहेगा दोपहर को 12:17 से दोपहर के 1:34 तक, और ध्यान रखें कि इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। शुभ मुहूर्त का समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है कल के लिए। दिशाशूल उत्तर की ओर रहेगा, तो अगर आप इस ओर यात्रा कर रहे हैं तो दूध पीकर यात्रा करें। अशुभ समय यमगण रहेगा सुबह 8:25 से सुबह के 9:42 तक। गोलिक काल का समय रहेगा सुबह 10:59 से दोपहर के 12:17 तक, और दुमुहूर्त का समय रहेगा दोपहर के 11:56 से दोपहर के 12:38 तक। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे और क्या कहता है आपका राशिफल और क्या करना चाहिए आपको उपाय अपने दिन को और ज्यादा शुभ बनाने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। आज आप अपने अंदर भरपूर आत्मविश्वास व ऊर्जा महसूस करेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा तथा अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। किसी नजदीकी रिश्तेदार के घर जाने की भी योजना बनेगी तथा समय मनोरंजन तथा हंसी खुशी में व्यतीत होगा। आज खर्चों की अधिकता रह सकती है, जिसकी वजह से बजट कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आज आपको कोई दुखद समाचार मिलने से आत्मविश्वास तथा कार्यक्षमता में कमी आएगी। घर में भी आपके नकारात्मक माहौल रह सकता है। वर्तमान व्यवसायिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए आप कुछ नई योजनाएं बनाएंगे। इस समय बहुत ही उचित ग्रह स्थिति आपके लिए बनी हुई है, इसीलिए इन योजनाओं को तुरंत ही क्रियान्वित करें। आर्थिक पक्ष भी इससे आपका मजबूत रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो पति पत्नी के आपसी संबंध मधुर रहेंगे। घर के माहौल को खुशनुमा बनाने में आपका विशेष प्रयास रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको एसिडिटी तथा ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अपनी दिनचर्या तथा खान पान को संयमित रखें। आज आपका भाग्यांक होगा 5। शुभ रंग आपका हरा होगा यानी कि ग्रीन कलर होगा, और आज आप गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, आपके लिए लाभकारी होगा। वृष राशि। वृष राशि के जातकों के रुके हुए राजकीय काम किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पूरे हो सकते हैं, इसीलिए प्रयासरत रहें। साथ ही बच्चों की समस्या को सुलझाने में आपका विशेष योगदान रहेगा और आप एक श्रेष्ठ अभिभावक भी साबित होंगे।
आप किसी संबंधी या पड़ोसियों के साथ किसी तरह के वाद विवाद में ना पड़ें, क्योंकि इससे आपके धन निवेश संबंधी कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं और आपका काम पीछे पिछड़ सकता है। व्यवसाय में गति लाने के लिए कुछ नई नीतियां आपको बनानी पड़ेंगी। हालांकि वर्तमान नकारात्मक वातावरण की वजह से व्यापार मंद ही रहेगा। नौकरी में त्योहारों की वजह से कार्यभार की अधिकता रहेगी, जिसकी वजह से आपको ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। परिवारजनों के साथ आज आपको शॉपिंग करना तथा उनके साथ समय बिताना आपके आपसी संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा। स्वास्थ्य आज आपका ठीक रहेगा, किसी प्रकार की चिंता ना करें, परंतु आप अपने लिए सावधानी भी जरूर बरतें। आज आपका भाग्य अंक होगा 8। शुभ रंग आपका हल्का नीला यानी कि लाइट ब्लू होगा और आज आप गाय को हरा चारा खिलाएं, लाभकारी होगा। मिथुन राशि के जातकों के घर में कोई विवाह या सगाई संबंधी मांगलिक कार्य संपन्न होने जैसी योजनाएं बनेंगी तथा खुशी भरा वातावरण व्याप्त रहेगा। घर के सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह पूरी निष्ठा से करेंगे। बड़े बुजुर्गों का स्नेह व आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। आपको धन की आवश्यकता होगी और आपके अधिकारी आपको धन प्रदान करेंगे। इससे आपके रुके हुए कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगे। व्यवसाय के लिहाज से व्यवसायिक गतिविधियां पूर्ववत ही रहेंगी, परंतु अपने स्वभाव को काबू रखना आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि जल्दबाजी व गुस्से की वजह से आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। ऐसी ही सावधानी नौकरी पेशा लोगों को अपने ऑफिस में भी रखने की जरूरत होगी। वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। घर की समस्याओं को सुलझाने में घर का वातावरण सुखद बना रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से अपना रूटीन चेकअप अवश्य करवा लें। किसी प्रकार की आपको एलर्जी या रक्त संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। आज आपका भाग्य अंक होगा 4। शुभ रंग आपका आसमानी होगा। आज आप भगवान गणेश जी को हरी दुर्वा चढ़ाएं, लाभकारी होगा। कर्क राशि के जातकों के जीवन में कुछ समय से चल रही किसी विशेष कार्य के प्रति आपकी लग्न व मेहनत के अप्रत्याशित लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं। अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें। घर में किसी धार्मिक कार्य के आयोजन संबंधी योजनाएं भी बनेंगी। आपकी पुश्तैनी जायदाद से संबंधित कार्यों में कुछ विलंब हो सकता है, परंतु निराश ना हो, क्योंकि काम शांतिपूर्ण तरीके से अवश्य निपट जाएगा। कोई भी पुरानी नकारात्मक बात अपने ऊपर हावी ना होने दें। व्यवसाय में पब्लिक डीलिंग तथा मीडिया से संबंधित कार्यों में आज विशेष ध्यान दें, क्योंकि इनमें अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑफिस का माहौल पॉजिटिव रहेगा तथा सहयोगियों के साथ संबंध बेहतर बनेंगे। लव लाइफ की बात करें तो कुछ समय जीवन साथी के साथ भी मनोरंजन तथा शॉपिंग में व्यतीत करें। इससे आपसी संबंधों में और अधिक नजदीकियां आएंगी। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, परंतु बाहरी नकारात्मक वातावरण तथा पॉल्यूशन से अपना बचाव अवश्य रखें। आज आपका भाग्य अंक होगा 1। शुभ रंग गुलाबी होगा। आज आप भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं, लाभकारी होगा। सिंह राशि के जातक धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आपका आस्था व रुझान बढ़ेगा, जिससे आपके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। आज का दिन अधिकतर समय किसी विशेष कार्य संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने में व्यतीत करेंगे। आप शेयर सट्टा आदि जैसे रिस्की कामों से दूर रहें, क्योंकि किसी बड़े नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। साथ ही मानहानि भी हो सकती है, इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई नजदीकी व्यक्ति ही आपके साथ विश्वासघात आज कर सकता है। व्यवसाय में कार्यक्षेत्र में आंतरिक रखरखाव तथा नवीनीकरण जैसी योजनाएं बनेंगी। इस परिवर्तन में वास्तु सम्मत नियमों का अवश्य उपयोग करें। करियर के लिहाज से वरिष्ठों के साथ वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। बच्चे भी अनुशासित तथा आज्ञाकारी रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से बदलते मौसम की वजह से आपको एलर्जी व कफ कोल्ड जैसी दिक्कतें रहेंगी। इसके लिए आप देसी इलाज लें, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आज आपका भाग्य अंक होगा 7। शुभ रंग हल्का नीला होगा। आज आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें, लाभकारी होगा। कन्या राशि के जातकों का सकारात्मक दृष्टिकोण किसी भी परिस्थिति में ऊर्जावान व
मानसिक रूप से मजबूत बनाकर रखेगा। अगर पुश्तैनी प्रॉपर्टी संबंधी कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसे हल करने के लिए आज का दिन बहुत उचित है। आपके स्वभाव में भावुकता की अधिकता रहेगी, जिसकी वजह से कुछ लोग आपका नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीदें ना रखें, बल्कि अपने सभी काम स्वयं ही निपटाने की कोशिश करें। व्यर्थ के कार्यों में अपना समय तथा धन नष्ट ना करें। व्यवसाय में कार्य क्षेत्र में भावुकता की बजाय प्रैक्टिकल तरीके से सबके साथ व्यवहार करें और क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, क्योंकि इन बातों का नकारात्मक असर आपके व्यवसाय व कार्य क्षमता पर पड़ेगा। सहयोगियों तथा कर्मचारियों के साथ दोस्ताना व्यवहार करें। काम से जुड़ा टारगेट पूरा करने में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन टारगेट पूरा होगा। लव लाइफ की बात करें तो पति पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे। अविवाहितों के लिए भी आज कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। स्वास्थ्य में आज आपके ऊपर काम के बोझ की अधिकता का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाकर रखें। आज आपका भाग्य अंक होगा 4, शुभ रंग हल्का ब्राउन होगा। आज आप भगवान गणेश जी को मूंग के लड्डुओं का भोग लगाएं, लाभकारी होगा। तुला राशि के जातकों के जीवन में कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में आज बेहतर सुधार आएगा तथा आप पुनः अपनी ऊर्जा को समेट कर रुके हुए इम्पोर्टेंट कार्यों को निपटाने में अपना ध्यान लगाएंगे। परिवार का भी सहयोग आपके आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाएगा। आप अपने काम के बोझ को दूसरों के साथ बांटने से काफी हल्का महसूस करेंगे। आपको अपने कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा तथा सभी काम आपके सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। विदेश में नौकरी प्राप्त करने के प्रयत्नों को और आपको बढ़ावा देना होगा। लव लाइफ की बात करें तो घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद व स्नेह परिवार में सुखद वातावरण बनाकर रखेगा और सभी सदस्यों का आपस में बेहतरीन सामंजस्य रहेगा। स्वास्थ्य में आज आपको कमजोरी की वजह से सिरदर्द व थकान रहेगी, आराम के लिए अवश्य समय निकालें। आज आपका भाग्य अंक होगा 3, शुभ रंग आपका डार्क ब्लू होगा। आज आप गणेश जी के 12 नामों का पाठ करें, लाभकारी होगा। वृश्चिक राशि के जातक कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी वरिष्ठ व अनुभवी व्यक्ति के साथ विचार विमर्श अवश्य करें। इससे आपके कार्य काफी सुगमता से संपन्न हो जाएंगे। व्यस्तता के बावजूद अपने मित्रों व रिश्तेदारों के साथ संपर्क अवश्य बनाकर रखें। आप किसी नजदीकी रिश्तेदार या दोस्त को अधिक धन उधार न दें तथा अनजान व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का विश्वास न करें, क्योंकि वह आपको धोखा दे सकता है। व्यवसाय में कार्य क्षेत्र के काम की गति धीमी रहेगी, इसकी वजह से आपके कई इम्पोर्टेंट काम रुक सकते हैं। कर्मचारियों की गतिविधियों व क्रियाकलापों पर आपको नियंत्रण रखना होगा और सारे काम हो सके तो अपनी उपस्थिति में ही संपन्न करवाएं तो आपके लिए उचित रहेगा। नौकरी करने वाली महिलाओं को विदेश में काम करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। किसी जरूरतमंद की सहायता करने से आपको भी आत्मिक खुशी महसूस होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से हल्की फुल्की मौसमी परेशानी रहेगी, जरा सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी। आज आपका भाग्य अंक होगा 9, शुभ रंग आपका हरा होगा। आज आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, लाभकारी होगा। धनुराशि के जातकों के घर या व्यवसाय संबंधी स्थान परिवर्तन की कोई योजना बना रही है तो आज उस योजना को कार्य रूप में परिणित करने का उचित समय है। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज काफी समय से रुके हुए व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में आप अपना समय व्यतीत करेंगे। ध्यान रखिए कि ईगो में आकर किसी के साथ भी अनुचित व्यवहार ना करें, अन्यथा आपके लिए अपमानजनक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। दिखावे के चक्कर में अनावश्यक खर्च भी कर बैठेंगे, फिर बाद में आपको इस धन का पश्चाताप होगा। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से व्यवसायिक गतिविधियों पर गंभीरता से मनन करें तथा बदलाव संबंधी योजनाओं को तुरंत ही कार्य रूप देने का समय है। इस समय अपने व्यवसाय संबंधित एडवर्टाइजमेंट भी करने की आपको आवश्यकता होगी। वाणिज्य क्षेत्र के व्यक्ति काम को सतर्क रहकर करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है।
लव लाइफ की बात करें तो परिवार के साथ रविवार की छुट्टी का दिन मनोरंजन व शॉपिंग में व्यतीत होगा तथा सब एक साथ कुछ समय व्यतीत करके खुशी महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से खांसी जुकाम व गला खराब जैसी स्थिति रहेगी। आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। आज आपका भाग्य अंक होगा 2। शुभ रंग आपका हल्का नीला होगा। आज आप गाय को गुड़ खिलाएं, लाभकारी होगा। मकर राशि। मकर राशि के जातक कुछ समय से अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और इसका आपको उचित परिणाम हासिल हो सकता है। आज भी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा और अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी रुका हुआ काम भी आपका पूरा हो सकता है। आप कुछ तनाव में रहेंगे जिससे आप अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसीलिए सावधानी पूर्वक अपने प्रत्येक कार्य को करें और इससे आपके धन में धीरे धीरे बरकत होगी। व्यवसाय में आज किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचें। बैंकिंग क्षेत्र के व्यक्ति उच्च अधिकारी द्वारा प्रशंसा पा सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो आपकी परेशानियों को हल करने में आपके जीवन साथी का महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा तथा घर का वातावरण भी सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। असंतुलित खान पान की वजह से आज आपके पेट दर्द और गैस की समस्या रह सकती है, इसीलिए बेहतर होगा कि अपनी दिनचर्या को संयमित रखें। आज आपका भाग्य अंक होगा 2। शुभ रंग आपका हल्का हरा होगा, यानी कि लाइट ग्रीन होगा। आज आप गाय को हरी दुर्वा चढ़ाएं, लाभकारी होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक किसी रिश्तेदार के समस्या को सुलझाने में आपकी इम्पोर्टेंट भूमिका रहेगी और आपका पॉजिटिव निर्णय लेना तारीफे काबिल रहेगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में आस्था बढ़ने से आपके मनोवृत्ति में आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा, जिसकी वजह से आप अपने महत्वपूर्ण कामों को उचित रूप से संपन्न भी कर पाएंगे। आप किसी भी प्रकार के रिस्क ना लें, शेयर बाजार में गिरावट की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। आधुनिक उपकरणों के द्वारा धन का लेन देन ना करें क्योंकि इससे आपका धन रुक सकता है। व्यवसायिक दृष्टिकोण के समय आपके पक्ष हैं, अपनी पूरी ऊर्जा अपने कार्य क्षेत्र पर लगा सकते हैं। फोन द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना आज मिलेगी जिस पर तुरंत अमल करने से आपकी तरक्की के मार्ग भी खुलेंगे। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। बच्चों की मित्रता व गतिविधियों पर नजर रखना आपके लिए जरूरी होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से बदलते मौसम से संबंधित एलर्जियां आपको हो सकती हैं, इसलिए आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें, आपके लिए लाभकारी रहेगा। आज आपका भाग्य अंक होगा 6। शुभ रंग आपका मेहरून होगा। आज आप भगवान गणेश जी का पूजन करें, आपके लिए लाभकारी होगा। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए समय लाभदायक ग्रह गोचर चला रहा है। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी, इसीलिए समय का भरपूर सदुपयोग करें। धन का निवेश करने के लिए समय उचित है। कोई प्रॉपर्टी संबंधी खरीद फरोख्त भी आप कर सकते हैं। आप अपने व्यवहार में धैर्य व संयम हेतु आत्म अवलोकन भी करेंगे क्योंकि अकारण ही गुस्से व जल्दबाजी की वजह से कई आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में अवश्य जानकारी ले लें क्योंकि इससे आपको आर्थिक परेशानियां भी हो सकती हैं। व्यवसाय में आज आपको फायदेमंद अनुबंध प्राप्त होंगे जिससे आय के साधन भी बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी व्यवसाय में कोई लाभदायक डील संपन्न हो सकती है। करियर से जुड़ी दुविधा आज आपकी बढ़ सकती है, इसीलिए सावधानी बरतें। लव लाइफ की बात करें तो पारिवारिक व्यक्ति के विवाह संबंधी मांगलिक कार्य की योजनाएं बनेंगी तथा संबंधियों व नजदीकी रिश्तेदारों के साथ मेल मुलाकात सबको आनंदित करेगी। स्वास्थ्य आज आपका उत्तम रहेगा तथा शारीरिक ऊर्जा और आत्मबल भी मजबूत रहेगा। आज आपका भाग्य अंक होगा 7। शुभ रंग आपका हरा होगा, यानी कि ग्रीन होगा। आज आप भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, आपके लिए लाभकारी होगा। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।